मार्च 6 तारीख 2022 मंदिर में खून के छींटे। मार्च 7 तारीख 2022 मंदिर में फिर से खून के छींटे। मार्च 8 तारीख 2022 मंदिर के अंदर उल्टी। मार्च 18 तारीख 2022 मंदिर में भगदड़, कई लोग घायल। जय और पराजय का विचार छोड़ के कर्तव्य पर ध्यान दो, डर अपने आप दूर हो जाएगा। देवताओं के भगवान, असुरों के भगवान, मानवों के भगवान, पेड़ पौधे पक्षी जानवर कीट पतंग पूरे सृष्टि के भगवान, सर्वोच्च ब्रह्म परम ब्रह्म निराकार पूरे जगत के नाथ जगन्नाथ। पूरे ब्रह्मांड में केवल जगन्नाथ धाम में ही भगवान लकड़ी के रूप में जीवित अवस्था में पूजे जाते हैं। जैसे मनुष्य के अंदर मौजूद है आत्मा, ठीक वैसे ही प्रभु जगन्नाथ के लकड़ी के मूर्ति के अंदर मौजूद है ब्रह्म पदार्थ, यानी सुप्रीम सोल ऑफ द यूनिवर्स, पूरे सृष्टि का आत्मा। जब जब जगन्नाथ मंदिर में कुछ अनहोनी होती है, उसका असर पूरे विश्व में अवश्य दिखता है, क्योंकि पूरे सृष्टि का नियंत्रण यहीं से होता है। वो साधु साधु नहीं अगर उसने जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं किए हो, वो ऋषि ऋषि नहीं अगर उसने जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं किए हो, वो देवता देवता नहीं, वो असुर भी असुर नहीं, वो भक्त भी भक्त नहीं जिसने जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं किए हो। पूरे दुनिया में जब जब कोई बड़ी अनहोनी होती है, घटना घटित होने से पहले प्रभु जगन्नाथ उसका सूचना अवश्य दे देते हैं। क्या इस बार प्रभु जगन्नाथ हमें सतर्क कर रहे हैं आने वाले बड़े मुसीबत से? क्या इस बार प्रभु जगन्नाथ हमें कुछ सूचना देना चाहते हैं आने वाले समय के लिए? 600 साल पहले पांच संतों ने, यानी पंच सखाओं ने रचना की ग्रंथों की माला मालिका, उसमें गुरुओं ने स्पष्ट कह दिया है कि जब जब जगन्नाथ मंदिर में कुछ अनहोनी होगी तो समझ लेना बड़ी मुसीबत आ रही है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि मंदिर में बार बार खून के छींटे जब तुम देखोगे तो समझ लेना अंत निकट है। सिर्फ एक ही महीने में 4 घटनाएं किस तरफ इशारा कर रही है। मार्च 6 तारीख को खून के छींटे, मार्च 7 तारीख को खून के छींटे, मार्च 8 तारीख को मंदिर के अंदर श्रद्धालु ने किया उल्टी, मार्च 18 तारीख को मंदिर में मची भगदड़, कई लोग घायल हो गए। अगर मालिका के साथ इन घटनाओं को लिंक किया जाए तो अप्रैल 2022 में शनि प्रवेश करेगा कुंभ राशि में। इसका इशारा सिर्फ एक ही तरफ है, मृत्यु ही मृत्यु। देशों देशों के बीच होगी घमासान युद्ध, आएगी और एक बीमारी अति विनाशकारी और भयंकर, दुनिया का अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगा, मनुष्य एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। परिस्थिति अति गंभीर होने वाली है दोस्तों, अभी से प्रस्तुत होना होगा। हम आए थे अकेले, जाएंगे भी अकेले, इसीलिए मेरे प्रिय दोस्तों, खुद को पहचानिए, सत्य धर्म का पालन कीजिए, भक्ति भाव को धारण कीजिए, अच्छा फल अवश्य मिलेगा। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, नए सदस्य पुराने अध्याय जरूर देखें। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय हिंद।